हेलो टोरस, टोरस यानी वृषभ राशि में सूर्य को ट्रिपल सिंधी टैरो से। तो आज हम टोरस यानी वृषभ राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि जिसे भी चाहें आप देख सकते हैं। ये रीडिंग 28 मई से लेकर 5 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। और अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो आइए देख लेते हैं टॉरस। सबसे पहले जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, वो आपसे क्या चाहते हैं, फिर देखते हैं आप उनके लिए क्या महसूस करते हैं और आप उनसे क्या चाहते हैं, इसका आउटकम क्या रहेगा और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो सॉरी गाइस, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो आपके पर्सन हैं उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या है। तो टॉरस के पर्सन की, टॉरस के लिए फीलिंग्स क्या है, टॉरस के पर्सन की टॉरस के लिए फीलिंग्स क्या है। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो महसूस कर रहे हैं कि आपकी वजह से इस रिश्ते में काफ़ी परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं। आप उनके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, मैनिपुलेट कर रहे हैं, जिस वजह से उनकी ईगो हर्ट हो रही है। लेकिन और हालांकि वो इस रिश्ते में एक्शन लेना चाहते हैं, लेकिन उनकी ईगो हर्ट हो रही है क्योंकि आप उनकी भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। या फिर ऐसा आप अपने पर्सन के लिए भी महसूस कर सकते हैं। तो वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में कोई माइंड गेम, मैनिपुलेशन ना हो। अगर उनकी ईगो जीत भी जाएगी तो वो इंसान हार जाएंगे, इसलिए वो महसूस कर रहे हैं कि उन्हें अपनी ईगो को छोड़ देना चाहिए, उनकी भावनाओं को नहीं, भावनाओं के साथ नहीं खेलना चाहिए और वो चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते हुए समझदारी के साथ इसमें मदरली हीलिंग करना चाहते हैं। जो आपके पर्सन है वो इसमें मदरली हीलिंग करना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर वो हीलिंग करेंगे, चुप रहेंगे, खामोश रहेंगे, किसी को भी इस रिश्ते के बारे में अभी नहीं बताएंगे और ट्रूथ के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इसमें सच दिल और दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो धीरे धीरे करके जो नेगेटिविटी है, जो ये उन परेशानी और दुविधाएँ इस रिश्ते में आ रही है वो ख़त्म होंगी और इस रिश्ते में हीलिंग और मेडिटेशन होगी, तो ये रिश्ता जो है आगे फ्रूटफुल और कामयाबी की तरफ बढ़ेगा। द हर्मिट का कार्ड बता रहा है कि वो इस रिश्ते में समझदारी के साथ सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी रोशनी खुद बनना चाहते हैं, अपना उजाला खुद बनना चाहते हैं। उनको लगता है कि वो बिना किसी दूसरे का सहारा लिए हुए अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपनी मंजिल खुद बनेंगे, अपने पैरों पर खड़े होंगे, सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, तो धीरे धीरे करके वो इसका हल और सोल्यूशन निकाल पाएंगे और इस रिश्ते को आगे बढ़ाने में कामयाब होंगे। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। देख लेते हैं वो आपसे क्या चाहते हैं। टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, द टावर एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। तो टॉरस जो आपके पर्सन हैं वो चाहते हैं कि आप इस लड़ाई झगड़े को, इस फाइट्स ड्रामे को ख़त्म करें। जो ये वाद विवाद, एंजाइटी, ड्रामा, फाइट्स, एक दूसरे से लड़ना, बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट होना, बहुत सारे ये झगड़ा क्रिएट करना, उन सब चीज़ों को छोड़ दें। और वो चाहते हैं कि जो सिचुएशन इस रिश्ते में बनी हुई है, जिस वजह से पनौती, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, तो उन चीज़ों पर जो रिश्ता बनते बनते या तो रुक चुका है या बनकर ख़त्म हो चुका है, या फिर जो रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, जो मतलब उसमें रिश्ते में बैलेंस बन गया है, तो वो चाहते हैं कि पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करें, समय को समय दें, वक्त दें, ताकि धीरे धीरे करके जो ग्रह नक्षत्र हैं उनके फेवर में आ जाए और
पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जा सके, और वो चाहते हैं कि अगर वो इस रिश्ते में बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं, यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी जो आइडियाज़ दे रहे हैं, जो मौका दे रहे हैं, लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, तो उस अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करते हुए उस पर काम करते हैं, तो धीरे धीरे करके बिगनिंग, ये शुरुआत एक ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सकती है, और आगे जाकर ये रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, एक फैमिली एक परिवार बन सकता है। और जो इस रिश्ते में परेशानी बाधाएं रुकावटें आई हैं, शायद वो उनके फेवर में हो सकती हैं, नए सिरे से एक नई बिगनिंग एक नई शुरुआत हो सकती है, दुख के बादल धीरे धीरे छट सकते हैं और फिर से रिश्ता आगे बढ़ाया जा सकता है, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि जो आपके पार्टनर हैं वो टॉरस से चाहते हैं। अब देख लेते हैं टॉरस, आप अपने पर्सन से के लिए क्या महसूस करते हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं अपने पर्सन के लिए। टॉरस की अपने पर्सन के लिए फीलिंग्स क्या हैं? सेवन ऑफ वॉन्ड्स, फाइव ऑफ कप्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो टॉरस, आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि वो अपने आप को अकेला महसूस ना करें, वो उन्हें इस रिश्ते को लेकर दुखी नहीं होना चाहिए, जो अकेलापन है, जो या फिर आप जो अपने आप को अकेला मान रहे हैं, आपको लगता है कि आपके पार्टनर की वजह से आप अकेले पड़ गए हैं, ना जाने ऐसा क्या हुआ है कि जो उन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया है, पनौती बाधाएं रुकावटें दिक्कतें आई हैं, और आप एंजाइटी में हैं, स्ट्रेस में हैं, प्रॉब्लम में हैं, आप बार बार यही फील कर रहे हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपने क्या किया जो आप अकेले पड़ गए हैं। तो आप इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, आपको लगता है कि अगर इसमें क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, आमने सामने बातें होती हैं, तो चाहे भले ही उनको आपके पार्टनर को दुख हो, चाहे टॉरस को दुख हो, लेकिन गिले शिकवे ख़त्म होंगे और रिश्ता अगर आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे करके जो है फ्यूचर ब्राइट होगा, आगे फ्यूचर में कोई परेशानी दिक्कत तकलीफ नहीं आएगी। और अगर इस रिश्ते में नज़रें घुमाएंगे तो अभी भी प्यार और मोहब्बत मिल सकती है, अभी भी उनकी लाइफ में प्यार वापस आ सकता है, ऐसा आप अपने पर्सन के लिए फील कर रहे हैं कि अभी भी उनकी लाइफ में प्यार आ सकता है, अगर वो नज़रें घुमाएं, उनसे मदद मांगे, कोशिश करें, और वो ये भी महसूस करें कि उन्हें इस रिश्ते में अपने लिए, अपने प्यार के लिए स्टैंड लेना चाहिए, यानी कि आप इसमें अपने लिए या अपने प्यार के लिए, चाहे अपनों के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, आप चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लिया जाए, ताकि धीरे धीरे करके जो गिले शिकवे हैं, जो प्रॉब्लम है, वो ख़त्म हो और फिर से इसमें एक बिगनिंग एक शुरुआत हो सके। तो ऐसा आप अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं, ऐसा आप सोचते हैं। आप देखते हैं कि आप उनसे चाहते क्या हैं, टॉरस आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं, भाग्य उनके साथ है, आप चाहते हैं कि जो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा था हैंग्ड वन, आप चाहते हैं कि वो अपना नज़रिया चेंज करें, या फिर या तो नज़रिया चेंज करते हुए आगे बढ़ें, या सामने वाले के नज़रिए से चीज़ों को देखें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे, हीलिंग करेंगे, तो उनके अंदर जो नेगेटिविटी है वो ख़त्म होगी, वो पॉजिटिवली चीज़ों को हैंडल कर पाएंगे, और या तो वो अपना नज़रिया चेंज करें, या सामने वाले की के नज़र से चीज़ों को देखें। और वो आप टॉरस आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने की, सोमेलिया जैसी परेशानी से जूझने की, वो इसका हल और सॉल्यूशन निकाले, वो रातों की नींद ना आराम करें, और जो है क्योंकि समय अभी उनके फेवर में आ रहा है, लक उनका साथ देने आ रहा है, भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, तो वो चाहते हैं कि इस समय को यूटिलाइज करें, और जो भी इस रिश्ते में लस्ट है, एडिक्शन है, उनको ख़त्म करें, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, खुद नेगेटिव होना, नेगेटिव सोचना, या फिर एनवायरनमेंट को नेगेटिव बनाना, इस तरह की जो भी इसमें प्रॉब्लम है, उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए वो प्यार और प्रेम से, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ें, समय का सदुपयोग करें, जो भाग्य उनके साथ, लक उनके साथ आ रहा है,
समय उनके फेवर में आ रहा, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो अगर वो उसको यूटिलाइज़ कर लेते हैं और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, गुस्से को छोड़ते हुए, एंगर को छोड़ते हुए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस नहीं करते और पेशेंटली चीज़ों को हैंडल करते हैं, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलते हैं, जो घर गृहस्थी का समय है उसमें घर का समय दें और जो बाहर वाला समय है उसमें जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें उस तरीके से अगर समय देते हैं, वक्त देते हैं, और ना तो बहुत ज़्यादा उनसे वो चाहते हैं कि टॉरस चाहते हैं कि ना तो वो उनसे बहुत ज़्यादा बातें करें, ना ही बातों को बिल्कुल से बंद कर दें, क्योंकि दोनों चीज़ें ही इस रिश्ते पर इफ़ेक्ट डालती हैं। अगर बहुत ज़्यादा बातें करते हैं तो लगता है कि वो ईगो वो इसमें दिखावा कर रहे हैं, और बिल्कुल ही बातें बंद कर देते हैं तो लगता है कि वो ईगो दिखा रहे हैं। तो उन चीज़ों में भी बैलेंस बनाकर चलें, और जो अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, जो घर गृहस्थी के प्रॉब्लम्स हैं, उन्हें अपने तक सीमित रखें ताकि रिश्ते पर इसका इफ़ेक्ट ना पड़ सके। तो और अगर वो ऐसा करते हैं तो ये रिश्ता फिर से फ्रूटफुल होगा, कामयाब होगा, और यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ इस रिश्ते में जो अप एंड डाउन चीज़ें जा रही थी उसमें बैलेंस आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, खुशहाली आएगी, और भाग्य उनके साथ होगा, लक उनके साथ होगा, और ये रिश्ता फिर से आगे बढ़ेगा, ऐसा वो आपसे चाहते हैं, यानी कि अपने पर्सन से चाहते हैं। आप देख लेते हैं इसका आउटकम क्या बता रहा है। यूनिवर्स जी प्लीज़ बताइए कि टॉरस पर्सन के लिए जो है आउटकम क्या हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है एस ऑफ कप्स, समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, ज़्यादा इमोशंस में मत बहिए। यूनिवर्स जो अपॉर्चुनिटी दे रही है उसको एक्सेप्ट कीजिए, एक बिगनिंग एक शुरुआत कीजिए, ताकि वही बिगनिंग आगे जाकर ब्रांड न्यू बिगनिंग बन सके, और आप जो है फिर से आपकी लाइफ में प्यार और प्रेम बढ़ सके। तो इसका जो है आउटकम वो बता रहा है कि बिना इमोशंस में बहे, समय के साथ फ्लो के साथ चलते हैं तो चीज़ें सही होंगी। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो भी ये अननोन फियर है, जो डरावने सपने हैं, जिससे आप डरे हुए हैं, आप एक दूसरे के प्रति सोच रहे हैं कि आप वो आपके प्रति लॉयल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है, कोई चीटिंग, कोई फ्रेब, कोई धोखाधड़ी, आपकी भावनाओं के साथ खेलना, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, इस तरह की जो सिचुएशन है, तो बजाय कि यूनिवर्स ही आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको इसका आउटकम बता रहा है कि बजाय कि किसी बाहर वाले पर्सन की बातें मानने के, तीसरे पर्सन की बातें मानने के, आप एक दूसरे के साथ खुलकर बातें कीजिए, क्लैरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, पॉजिटिव सोच लिए सोचिए, नेगेटिव सोच को ख़त्म कीजिए। अगर पॉजिटिव सोचेंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे, तो जो ये आपने सोच सोच कर जो एक ग्रहण लगा रखा है, जो पनौती बाधाएं दिक्कतें इस रिश्ते में आ रही है, वो सारी ख़त्म होंगी, और एक दूसरे से माफ़ी मांगते हुए एक दूसरे को माफ़ करेंगे, अगर आप एक दूसरे के लिए फॉरगिव करेंगे, गले से लगाएंगे, तो जो अभी तक जो चीज़ें रुकावटें आ रही थी, पनौती बाधाएं दिक्कतें आ रही थी, तो अब हर हाल में भाग्य आपका साथ देगा, अब आपका वो काम पूरे जरूर होंगे। ये जो जजमेंट का कार्ड है वो बता रहा है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ आपके सब काम पूरे होंगे, जो काम आपके लटके हुए थे, अटके हुए थे, चाहे वो जो आप जो भी चीज़ चाह रहे थे, जिस हिसाब से चाह रहे थे, चाहे आप इसमें डाइवोर्स चाह रहे थे, चाहे आप इस रिश्ते में रीयूनियन रिकॉन्सिलेशन चाह रहे थे, तो यहाँ कहीं ना कहीं आपका दिली तमन्ना मनोकामना पूरी होगी। जो चीज़ जिस चीज़ के लिए आपकी मैनिफेस्टेशन थी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती दिखाई दे रही है, और इसका जो है आउटकम बता रहा है कि आप समय के साथ फ्लो के साथ चलिए, चीज़ों को अपने से चिपका कर मत रखिए, ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस में मत रहिए, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म कीजिए, उन चीज़ों को बदलिए जो आपके लिए सही नहीं है। अगर समय के साथ फ्लो के साथ चलेंगे
और अपने इमोशंस पर काबू करेंगे तो समय धीरे धीरे करके जो है भाग्य आपके साथ होगा, लक आपके साथ होगा और जो है इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव होगा। जो समय जिसका आप लंबे समय से वेट और इंतजार कर रहे थे वो चीज़ें आपके फेवर में आ सकती हैं। चाहे आप उसमें डाइवोर्स चाहते हैं या रिलेशन्स को आगे बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन जो भी आप चाहते हैं इसका आउटकम बता रहा है कि वो आपके फेवर में ही होगा। जैसा आप चाह रहे थे वो वहाँ आपको कामयाबी मिलेगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या मैसेज या गाइडेंस देना चाहते हैं। एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, वेरी नाइस, द हाई प्रिस्टेस। यूनिवर्स ही गाइड करना चाहते हैं कि समझदारी के साथ, चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विस्टम नॉलेज गेन करते रहिए। यूनिवर्स पर छोड़ दीजिए, भाग्य पर छोड़ दीजिए कि जो वो करेंगे सही करेंगे, अच्छा करेंगे। समय लग सकता है, काम में रुक थोड़ा डिले हो सकती हैं, चीज़ें धीरे धीरे आगे बढ़ सकती हैं। आप एक्शन लेने में थोड़ा सा इधर टाइम लग सकता है, लेकिन अगर आप एक नई अपॉर्चुनिटी के साथ यानी कि नई सोच के साथ एक फ्रेंड की तरह, एक दोस्त की तरह पुरानी बातों को बुलाते हुए एक दूसरे के साथ गेट टुगेदर करते हैं, पिकनिक पार्टी में जाते हैं, एक दूसरे के साथ नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, नए हौसले के साथ, नई दोस्ती के साथ फिर से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करते हैं, तो जो गिले सिकवे, जो प्रॉब्लम, जो एंजाइटी स्ट्रेस में रिश्ता रहा है आप उनकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं या वो आपकी तरफ लव ऑफर लेकर आते हैं, गुड न्यूज़, गुड मैसेज देते हैं। तो समय के साथ, फ्लो के साथ चलते हैं और यूनिवर्स जो आपको आगे बढ़ने की अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आइडियाज़ दे रहे हैं, मौका दे रहे हैं, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे करके वही अपॉर्चुनिटी आपको आगे ब्रांड न्यू बिगनिंग दे सकती है, खुशियां दे सकती है और आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, समय आपके साथ है, भाग्य आपके साथ है, आपको कामयाबी मिलेगी। लेकिन समझदारी के साथ विजडम नॉलेज गेन करते हुए आप इसमें एक्शन लीजिए, जल्दबाजी मत कीजिए और आप अपनी विजडम हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, स्पिरिचुअल ग्रोथ कीजिए ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो और आपके अंदर पॉजिटिविटी आए और नए सिरे से आप आगे बढ़ सकें। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।